अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं हलवा पूरी। ये है 2 कप मैदा, 1/2 कप गेहूँ का आटा, 1 टीस्पून नमक, 1/2 कप। अब हम इसको गूंद लेंगे। आटे को हमने गूंद लिया, न ज़्यादा सख्त न ज़्यादा नरम। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम चने बनाएंगे। ये हमने 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया, 1/2 कप ग्रेटेड प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें ग्रेटेड टमाटर डाल देंगे, 1/2 कप टमाटर, 2 से 3 हरे मिर्च, 1/2 कप। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ जीरा, 1/2 कप। अब हम इसमें बॉयल चने डाल देंगे, 2 कप। इसको हमने नमक के साथ बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे, 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/2 कप। अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब ये तैयार हो चुका है। अब हम हलवा बनाएंगे। ये हमने 1/2 कप देसी घी डाल दिया, 3 सबज इलायची, 1/2 कप सूजी, 1/2 कप बन चुका है तो अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। अब हम इसमें 3 कप पानी डाल देंगे। थोड़ा सा येलो कलर। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे। हलवा तैयार हो चुका है।
हमने इस तरह से पेड़ ही बना लिए। Thank you.